कि यहाँ पर जो शिवलिंग जो स्थापित है वो हर साल चावल के दाने जितना बढ़ता है। तो चल रहे धीरे धीरे सूरज की दूसरी सीढ़ी की तरफ, इसको तो नरक ही मिलेगा। भाई मैं सच में बोलूँ ना, एक भी मेरा कर्म ऐसा नहीं है जिससे मेरे को नरक मिले। है तो कोई है भाई, बहुत कर्म आप तो दिखा देंगे। बोला तो आ गई शिव जी के लिए, हम सभी के मन में भोलेनाथ के लिए। नहीं नहीं तो कुछ गलतियां होंगी, बताएं क्या गलतियां, उनको सुधारेंगे। गलती तो भाई जिंदगी तगड़ी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं अपने YouTube चैनल पर, और आज मेरे साथ है मेरा भाई। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि हम लोग आप लोगों को पौड़ी वाला लेकर आएंगे, तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं पौड़ी वाला। तो भाई पौड़ी वाला की स्टोरी हम लोग बता देते हैं इनको कि उसमें क्या सीन है। तो भाई पौड़ी वाला के बारे में बताया जाता है कि रावण जी ने, ब्राह्मण रावण जी ने, हाँ ये भी ब्राह्मण और रावण जी ब्राह्मण तो फर्क आपको तो भाई देख लो, तो भाई आप लोगों को बताऊं मैं कि रावण जी की तपस्या से जब उन्होंने अपना गला काट कर पेश किया था शिव शंकर के सामने, तो उस चीज से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया था कि आप 5 सीढ़ियों का निर्माण करें, वो आपको स्वर्ग तक ले जाएगी और आप अमर हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया। तो भाई ऐसा बताया जाता है कि जब रावण जी इसका निर्माण कर रहे थे सीढ़ियों का, तो ब्राह्मण रावण जी तो उनको, उन्होंने 4 सीढ़ियों का निर्माण कर लिया था जिसमें से सेकंड मानी जाती है ये पौड़ी वाला। तो जब वो 5वीं सीढ़ी का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें नींद आ गई भाई, तो वो अमर होने से बच गए थे। और यहाँ के बारे में जो एक और बात हम लोगों ने सुनी है, हमें बताई गई है बचपन से कि यहाँ पर जो शिवलिंग जो स्थापित है वो हर साल चावल के दाने जितना बढ़ता है। तो अभी उसकी ऐसा माना जाता है कि, और देखा है लोगों ने, आंखों देखी चीज है, ऐसा नहीं है कि ये बोलने वाली चीज है। अभी हम भी देखेंगे कि कितना बड़ा है, फिर अगर हम लोगों को कभी 5-10 साल बाद अगर आप लोगों का स्पोर्ट रहा तो हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे कि बड़ा है नहीं बड़ा है। तो उसके लिए तो हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हाँ बोल, अब कुछ बोल। पर मैं सबसे पहले बोल देना चाहता हूँ कि जब भी आओ भाई एक चश्मा जरूर लेकर आना, क्योंकि पंछी बहुत ज्यादा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा हूँ कि हम लोग बार बार हाथ को आगे। अब भाई लोग चलते हैं मंदिर की तरफ, चलते हैं मंदिर की तरफ। हम लोगों ने आपको काफी कुछ बता दिया है, वैसे नहीं बताया, वैसे हम लोगों ने मन ने बताया भाई, मन ने मुझे कुछ नहीं आता। हाँ मुझे तो कुछ आता नहीं है, वैसे यही है समझदार एक। अब आपको दिखाते हैं मंदिर की तरफ। अब बोलना, अरे तू जा रही, अब आपको दिखाते हैं मंदिर का नजारा कैसा मंदिर है, क्योंकि स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी है, बड़े हिस्टोरिकल प्लेस है। हम लोग भी पहली बार आ रहे हैं इधर, दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको हिस्ट्री किसने बताई थी? देख रहे हो विरोध, देख रहे हो बंदे की चलाकी। ठीक है भाई लोगों, लेके चलते हैं। बोल ले भाई, थक गई क्या तू? 2 कदम चल के ऐसी शक्ल वाला आदमी साथ हो ना, भगवान थका था मैं, जब मेरे को दिखता है ना वुमेन, वो मन तो मेरे मुंह से निकलता तेरे को देख के। आगे देख कहीं मारे सर। चल रहे धीरे धीरे स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी की तरफ, इसको तो नरक ही मिलेगा। सालिया इसको तो नरक भाई मैं सच में बोलू ना, एक भी मेरा कर्म ऐसा नहीं है जिससे मेरे को नरक मिले। है तो नहीं कोई? हाँ भाई बहुत कर्म। मेरी नई घड़ी, ला 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 ला। भाई कोई मेरी बाजू काली आ गई इसमें तो। इसकी बाजू आ गई काली। अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ धीरे धीरे। भाई तूने चाबी लाई बाइक से? मनु नहीं दिखा तू, शकल देख, शकल देख, शकल समझने की कोशिश कर आधा फिल्टर में। गाइस यहाँ पे काम लगा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है, कुछ बहुत बढ़िया बनने वाला है आने वाले टाइम में, जरूर विजिट करें इधर। हाँ तेरे लिए। मंदिर इधर से उत्तर प्रदेश। हाथ धो लेते पहले, जैसे गंदे शरीर को मैंने छुआ है। ये देखिए गाइस, इधर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफी सही है, बहुत ज्यादा सही है। हाथ धुल रहे हैं अभी पापी के हाथ। हाथ धोना तो एक बहाना है, हमें तो शीशे देखना आना है। यार ढीला हो गया भाई, देख तो। वुमेन चुप हो जा, दिखा, चल छोड़ तू।
चल मुंह में बढ़ जा मेरे। अच्छी तरह दिल को मैंने फिर से छू लिया, क्या फायदा हुआ। अच्छा आज नहाई थी तो यहाँ तो आ गई। खोल दे भाई जूते। जूते निकाल देते अब। हाँ मेरे जूते भी दिखा दे भी कैसे। अब आ गए मंदिर की तरफ, हिस्टोरिकल प्लेस। देखिए एंट्रेंस बाबा जी। गाइस एंट्री हो चुकी है मंदिर में। मैंने देख लिया, मैं उधर से ही निकलने की कोशिश कर रही थी। ये देखिए गाइस बहुत ज्यादा सुंदर मंदिर है, बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर है भाई। अभी ऐसा करो, अभी रख दे। तो भाई लोगों हमने माथा टेक लिया है, पर आप लोगों को दिखाने के लिए हम एक बार फिर से लेके चलते हैं आप लोगों को अंदर। और ये मेरे प्यारे लवली भोले नाथ जी, मेरे को बहुत प्यारे भगवान शिव से, मतलब स्पेशली होता ना सबको एक भगवान बहुत पसंद होते हैं, मेरे भोले नाथ जी हैं। और यही वो शिवलिंग है जो हर साल चावल के दाने जितना पड़ता है। तो बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इधर ही रह लूँ। ठीक है भाई। क्या विषय तेरी, फिर बताते नहीं कभी भी किसी को है। ऐसा ऐसा बोला जाता है, बताना थोड़ी ना है। इनको सब पता है क्यों, पता ही है इनको सब। गाइस दर्शन करने के बाद अब निकल चुके हैं वापसी की तरफ। मुझ में आ गई है भयंकर शांति, मेरा तो इसके साथ बोलने का भी मन नहीं हो रहा है। अब मेरा दिल कर रहा है मैं बस सन्यास ले लूं। क्या बनेगी मेरा सच में भाई, बड़ी क्या बनेगी फिर तू, क्या क्या बोल रही थी तू, बाबा बनूंगा भाई और क्या बनना है। क्या मतलब है मेरा, बाबा बनेगा बाबा। हाँ तो वो वाला बाबा नहीं बनूंगा भाई, छपरी वाला बाबा। ठीक है छपरी तो तू ऑलरेडी है, या छपरी तो मैं हूँ, आम छपरी। ठीक है यार, है ना एक भगवान के दरबार पर। आज पहली बार आई है तू किसी मंदिर में, है ना। ओ भाई व्लॉग देख ले कितने, माता रेणुका जी का भी व्लॉग है। ठीक है तो है, ये तो है। ऐसा कुछ नहीं व्लॉग की बात नहीं, देखो भाई सीधे साहब की बात, व्लॉग के लिए तो मेरा है नहीं ऐसा कि मैं व्लॉग के लिए कहाँ पे कहीं पे वही वाला मैं, मतलब होता ही एक भगवान के लिए तो सबके तो अंदर होता है। दर्शन करने के बाद अभी हम वापसी की तरफ चलते हैं। फिर से आ गए इन पंछियों के बीच में या भैया आंख में आ गया। वुमेन फिर से जा गए इसकी आंख। चल ठीक है, अच्छा चलते हैं अब वापसी की तरफ। चल भाई हट 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 हट, ये देखिए ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं, चल भाया चले भैया, बिल्कुल चलो 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 बिल्कुल चलो। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज पौड़ी वाला है नाम जगह का। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। अभी नए नए हैं तो कुछ गलतियां होंगी, बताएं क्या गलतियां उनको सुधारेंगे। गलती तो भाई जिंदगी तगड़ी साथ है, पर चलो ठीक है फिर भी बता देना कुछ सजेशंस होगी। ठीक है बाकी मिलते हैं दोस्तों। हाँ अभी मेरे को थोड़ा दिमाग में ऐसा हो गया कि एक थोड़ा शांति शांति वाला जैसा हो जाता है ना बंदे के दिमाग में, वैसे वाला फील आ रहा है मेरे को। तो चलते हैं, जय भोले जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए चल।